कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि आतंकी फायरिंग करने के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इससे आतंकी घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वह जैसे ही गिरा उसके हाथ से हथियार छूट गया, लेकिन उसने रेंगते हुए बंदूक उठाई, लेकिन सामने से आ रही गोली की बौछार से वो ढेर हो गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में आतंकी अपनी दहशत भरी साजिश को लोगों के बीच फैलाना चाहते हैं। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को ये मुठभेड़ हुई थी। ये वीडियो भी उसी एनकाउंटर का है। बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली इस मुठभेड़ में शनिवार को 3 आतंकी मारे गए थे। अधिकारियों ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से 6 दिन पहले यानी 12 सितंबर को कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 ठिकानों को खोज निकाला था। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने यह ठिकाना एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर बनाया था। जड़ में 5 से 6 फीट जगह मिली। यहाँ से AK-47 के 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस, 20 हैंड ग्रेनेड, 10 छोटे रॉकेट मिले हैं।